चलिए देखते हैं जिस सिल्वर टेस्ट हम क्या कर रहे हैं। वाह यहाँ तो एडिटिंग चल रहा है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज सिल्वर टेस्ट में सब लोगों का स्वागत है। दिस इज सिल्वर टेस्ट में सब जिंदा रहता है, सबके दिल में जिंदा रहेगा। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं ऑन द पब्लिक डिमांड। थी बहुत दिनों से ये ब्लॉग पेंडिंग भी चल रहा है, ताकि मैं इधर प्रिपरेशन में जब लग जाता हूँ तो घोर अध्ययन में विलीन होना पड़ता है। आपको पता ही होगा, जैसे आप अगर स्टूडेंट हैं, आज किसी भी फील्ड में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं बात करता हूँ पासपोर्ट पे, कि ऑन द पब्लिक डिमांड थी कि इसके क्रियाकलाप में। तो बेसिकली पासपोर्ट आपको अगर बनवाना है तो एकदम सिंपल फंडा है आपको। एक तो है कि आप किसी काम को कर रहे हो तो उसके लिए बेसिकली जुनूनी तो बनना पड़ेगा, जुनून तो रखना ही पड़ेगा आपको। अगर घूमना फिरना है, मेरी बात कोई कुछ और है क्योंकि मैं अभी प्रिपरेशन में लगा हूँ। घूमना फिरना है तो आपको अगर अदर कंट्री का शौक रखे हुए हैं, वीज़ा भी आपको कैसे ही ऑन द प्रोसेस है, मैं आगे भी बताऊँगा। और ये ब्लॉग जो होने वाला है ऑन द पब्लिक डिमांड के तरफ से ही इसे मैं बना रहा हूँ। और मैं ब्रीफ इंफॉर्मेशन थोड़ा बहुत बता सकता हूँ कि मैं कैसे अप्लाई किया और मैं उस हद तक कैसे, मतलब कितने दिनों में बन कर आता है, क्या क्या प्रोसेस हैं, क्या क्या सामग्री हैं। टू द इंट्रो आप क्या क्या लगा सकते हैं इसमें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप वेरीफाई कराना है, ये सब के बारे में मैं आज ब्रीफ बता दूंगा कुछ। और द स्क्रीन, अगर आपको स्क्रीन के माध्यम से जानना है तो आप अगर कमेंट करके बताएंगे कि मुझे स्क्रीन के माध्यम से भी जानना है तो मैं भी उस तरीके से भी बता दूंगा। तो पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको तीन चार चीज़ें एकदम मायने रखती हैं, क्योंकि एक ही बार पासवर्ड बन पाता है, उसके बाद बार 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 आप एक बार गलती से कर देते हो तो फिर आपको जो प्रोसेस है उसमें अच्छा खासा समय लग जाएगा। तो इसमें सचेत रहिएगा, अच्छे से फॉर्म फिलअप करिएगा, जितने भी मतलब गलती का गुंजाइश नहीं है इसमें, होगा तो आप अगर फिर से डालते हो उसमें अच्छा खासा समय लग जाएगा। तो सिंपल माध्यम में यही कहना चाहूँगा कि मैं जब किया था तो मैं करता क्या था, जब बोलते हैं ना कि आप उस चीज़ को पाने के लिए आप लग जाते हो तो पूरी कायनात मिलाने में लग जाती है, वही चीज़ इसमें भी लागू होता है। मैं सोचा कि चलिए ट्राई करते हैं और एक नया चीज़ था मेरे लिए, क्योंकि नया नया काम करना, एडवेंचर करना मुझे पसंद है। मैं निकल गया और फॉर्म फिलअप किया इसको और फिर मैं छोड़ दिया था रजिस्ट्रेशन। तो मैं करते गया और कोई हवा नहीं है कि आप अरे ये बहुत बड़ा चीज़ है ये चीज़ है, अरे सिंपली हर एक कोई कर सकता है, हर एक कोई मतलब आजकल तो सब पेपरलेस हो रहा है। तो पेपरलेस क्रियाकलाप पे आप घर बैठे ही ऑनलाइन सारा चीज़ कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस से लेके फ़ोन पैड सब जितना भी है सब चीज़ आपका सब ऑनलाइन हो जाता है बेसिकली, आपको पता ही होगा। और आप अच्छे तरीके से जो ऑन ऑथराइज्ड ऑफिशियल साइट है उस पर जाके विजिट करें गवर्नमेंट का, तो सब कुछ ईजिली हो जाता है वहाँ पर, एग्जैक्ट गाइडलाइन के तरह बताया भी जाता है। तो मैं वहाँ गया और वहाँ जाके फिलअप किया, फिर मुझे पेमेंट में इशू हो रही थी कि पेमेंट ले नहीं रहा था, बार बार वो कट नहीं रहा था। तो पेमेंट में भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है, जब तक वो कटता नहीं है उसके डाटा में तब तक आपको ट्राई करते रहना चाहिए। मुझे भी दो तीन बार, कम से कम दो तीन बार ट्राई करना पड़ा तब जाके वो पेमेंट लिया या पासपोर्ट सेवा केंद्र। उसके बाद पेमेंट कटने के बाद जो रसीद मिलता है, स्लिप लेके आप फिर वन वीक के अंदर वो चला जाता है वेरिफिकेशन में, जैसे कि मैंने अपने होम टाउन से ही किया था। और वेरिफिकेशन में जाने के बाद जहाँ आपका इंटरनेशनल चाहे नेशनल हवाई अड्डे हैं वहाँ पे जाके वेरिफिकेशन, तो फिर दिल्ली जाते हैं और नोएडा जाके वहाँ वेरिफिकेशन है कि नोएडा कर रहा हूँ, दिल्ली के ऑथराइज मतलब वहाँ से वेरिफिकेशन होकर फिर आपके स्टेट में आके फिर आपके होम टाउन में आ जाते हैं। तो फिर आती है, फिर उसके बाद जब वन वीक में बन के आ जाएगा उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन आएंगे। पुलिस वेरिफिकेशन में आपको वहाँ से कॉल आता है और आप कॉल ऑन वो उठा लिए तो सही है, नहीं उठाए तो आपका पासपोर्ट भी गया, आपको और भाग दौड़ करना पड़ेगा। तो आपको ऑथेंटिक बनना पड़ेगा वहाँ पे, जितना एक्टिव है आ रही है। और फ़ोन में तो उठा लिया था और ट्राई के बहन के आपका वेरिफिकेशन है और आ जाइए। और पुलिस वेरिफिकेशन में जैसे ही आप जा रहे हैं
तो वहाँ पे आपको इन्हें के पुलिस वालों से आप डिटो बात करते हैं, मतलब अच्छे तरीके से बात करना है वहाँ पर, वो भी अच्छे तरीके से बात करते हैं, बस इन्फॉर्मेशन लेंगे, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो नहीं है, कोई आपका डाटा एंट्री पुलिस में ये तो नहीं है, उसके कारण अब वो सब चेक कर लेते हैं भी आपको पेड करके, तब वहाँ से वो वेरीफाई कर देता है पुलिस वाला, तब तो वो भेज देगा आपको। और भेजने के बाद फिर मेरा आ गया था 2 वीक के अंदर आ गया था अप्लाई होने के बाद, जैसे ही वेरिफिकेशन हुआ, मतलब आपको सबसे पहले वेरिफिकेशन कराना होगा अपने होम टाउन में या पासपोर्ट केंद्र में जाके, पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाके आपको वेरिफिकेशन कराएगा। ऐसे तो पोस्ट ऑफिस में भी ये सेवा उपलब्ध है, वहाँ पे भी जाके आप इजली मेथड में वहाँ वेरिफिकेशन के लंबी चौड़ी लाइन लगी रहती है, आप किसी से पूछ सकते हैं, वहाँ पर जाके वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो इतना ही रखूँगा छोटा सा ब्लॉग में, ताकि आपका जो डिटेल्स अगर आप कमेंट करके बताओगे मुझे कि डिटेल्स भी चाहिए तो मैं एक ब्लॉग इस पर बना दूँ। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, पानी बचाएं, पेड़ लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह अच्छे से ब्लॉग में, अच्छी तरह से रिलेटेड, तब तक के लिए जय हिंद।